गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करी हुई है किंगडम फंजाए किंगडम फंजाई में हम स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फंजाए रिप्रोडक्शन इन फंजाए हम बात कर रहे थे इसके तीन तरह से रिप्रोडक्शन होती है एक होती है वेजिटिव रिप्रोडक्शन सेकेंड है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट right? लास्ट वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ ए सेक्शुअल प्रोडक्शन क्या होती है ए मीन्स एबसेंस एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एब्सेंस होना इज ए सेक्शुअल प्रोडक्शन दैट मीन्स इसमें ना तो गेमिट्स बनेंगे ना मीओसिस होएगी होगी ना जायगोट बनेगा और सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट इवन नो गेमीट फॉर्मेशन नो जाएगॉड फॉर्मेशन नो मोसिस राइट तो यह है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में कैसे होती है विद्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स या के या हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोरुलेशन तो कैसे होगी हम कह सकते हैं ए सेक्ट्रल प्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स थ्रू स्पोरुलेशन राइट तो फर्स्ट टाइप ऑफ द स्पोर्स आर जू स्पोर्स कौन से जू स्पोर्स बेटा जू वर्ड इज फॉर एनिमल्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं बेटा मोटाइल होते हैं मूव कर सकते हैं राइट तो हम ये कह सकते हैं ये स्पोर्स भी क्या होंगे बेटा मोटाइल होंगे राइट right? अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास कोई ना कोई ऐसी ऑर्गनेली जरूर होएगी जिसके थ्रू वो मूव कर पाएंगे लाइक दे हैव फ्लैजला राइट सो दे आर फ्लैजलेटेड स्पोर्स राइट और ये मूव कर पाएंगे ये स्पोर्स देखो ये जो तो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है ये मैंने बनाई है स्पोरेंजियम की कौनसी स्पोरेंजियम की जू स्पोरेंजियम बेटा स्पोरेंजियम एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं तो जू स्परेंजियम इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच द स्पोर्स आर फॉर्म्ड और ये जो आप स्टॉक देख रहे हो राइट right? स्टॉक को हम बोलेंगे जू स्पोरेंजियो स्परेंजियो फोर बट अ फोर टर्म इज बेसिकली यूज फॉर द स्टॉक राइट सो जू स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इन साइड दू स्परेंजियम और जो जूस पोर है वो कैसा होता है सी ध्यान से देखो आपने देखा मैं इसके डायग्राम जो है वो पूरी फुल लाइन से नहीं बना रही मैं थोड़ी ऐसे बना रही हूं डॉटेड सी बेटा जूस पोर्स दे आर नेग्ड नेग्ड मतलब विदाउट एनी कवरिंग राइट एंड दे हैव दीज टू फ्लैजला ऑन इट ये फ्लैजला हैं राइट और इसका जो फ्लजला होता है एक तो होता है इसका फ्लजला बिल्कुल स्मूद दिस वन सपोज दिस इज़ विपलेश टाइप विपलेश टाइप मतलब विप की तरह चाबुक की तरह जो दूसरा होता है उस पर क्या होता है छोटे छोटे फ्लिमर्स होते हैं ये इसको हम बोलते हैं टेंसल टाइप तो इट इज़ हैविंग टू टाइप्स ऑफ फ्लजला वन इज़ द विपलेश टाइप अदर इज़ अ टेंसल टाइप राइट right? और क्योंकि इनके पास फ्लैजला है ये स्पोर्स कैसे होंगे मोटाइल स्पोर्स होंगे सो दे आर जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स दे हैव फ्लैजला एंड दे आर नेक्ड स्पोर नेक्ड स्पोर्स मीन्स दे आर विदाउट एनी कवरिंग विदाउट एनी सेल वॉल और इसके इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो बेटा एल्ब्यूगो कैंडिडा मैं ये नीचे लिख रही हूँ एल्बिगो कैंडिडा बट इट्स अ फंजाए दैट कॉज अ डिजीज इन द प्लांट एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफ़र्स वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफ़र्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा राइट सो दिस इज जूसपोरेंजियम सेक्लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या बन रहे हैं जूसपोर बन रहे हैं राइट सेकेंड टाइप ऑफ द स्पोर्स जो हैं हमारे पास दे आर स्पोरेंजियो स्पोर्स स्पोरेंजियो स्पोर्स सेकेंड टाइप ऑफ द स्पोर्स स्टूडेंट्स ये आपने टेंथ क्लास में भी पढ़े होंगे स्पोरेंजियो स्पोर्स बट अस् स्प्रेंजियो दे आर फॉर्म्ड इन साइड द स्पोरेंजियम ये देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है ना ये ब्लॉब राइट right? इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम क्या बोलेंगे स्पोरेंजियम राइट right? और बीच में ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बेटा स्पोर्स हैं कौन से स्पोरेंजियो स्पोर्स इसमें मैं नहीं बना रही सेम है दीज आर स्परेंजियो स्पोर्स और ये क्या है फंगस का ये नीचे ये माइसीलियम है फंगस का स्टूडेंट्स आपको याद होगा माइसीलियम क्या होता है माइसीलियम इज द ग्रुप ऑफ हाइफे दिस इज माइसीलियम और इसका माइसीलियम देखो कैसा है सीनोसिटिक माइसीलियम है मतलब मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है राइट right? तो स्प्रेंजो स्पोर्स दे आर नॉन मोटाइल देखो इनके पास कोई सीलिया फ्लैजना नहीं है राइट right? और इस पुरेंजियम के अंदर बन रहे हैं और फिर ये फैलेंगे कैसे बेटा ये जो स्पोरेंजियम होगा मेच्योरिटी पे ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और सारे के सारे स्पोरेंजियम बाहर आ जाएंगे और बाहर आने पे एयर क्लंट्स के थ्रू ये दूसरी जगहों तक पहुँचेंगे सो दे आर स्पेंज स्पोर्स दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स दे डू नॉट हैव फ्लैजिला

द डिस्पर्स थ्रू एयर क्रांड्स क्योंकि इनके पास बेटा कोई फ्लाजिला तो होते नहीं तो ये खुद तो मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे खुद तो ये मोटाइल होंगे ही नहीं राइट right? तो दे डिस्पर्स थ्रू एयर क्रांट्स क्लियर नेक्स्ट हमारे पास इसी की ही अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम बेटा जो इसकी एग्जाम्पल है वो है म्यूकर इसकी एक और एग्जाम्पल है राइजोपस राइजोपस को हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड राइट ब्रेड मोल्ड सो म्यूकर एंड राइजोपस दे फॉर्म स्पोरेंजियो स्पोर्स राइट सो दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम बट दे आर बाय एयर एयरक्रांट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्पोर्स आर कोनीडिया आपके लिए न्यू टर्म है स्टूडेंट कोनीडिया राइट right? कोनीडिया जो है दे आर बोर्न ऑन सी स्टॉक को हम क्या बोलेंगे मैंने बताया था आपको पहले भी देखो जिस तरह का नाम है स्पोर का तो नाम तो रहेगा आगे कोनीडियो फोर हो जाएगा फोर वर्ड इज फॉर द स्टॉक राइट और ये जो आप देख रहे हो चेंज में ये क्या है कोनिडिया हैं अब आप इस नोट कर रहे हो ना तो इस पर सिलिया है ना कोई फ्लैजला है तो ये भी क्या होंगे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं राइट right? बट फिर उनको डिस्पर्स कैसे होंगे ये फैलेंगे कैसे बिकॉज ऑफ एयर करंट्स सो कोनिडिया दे आर नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल स्पोर्स बट डिस्पर्स बाय डिस्पर्स मतलब फैलना डिस्पर्स बाय एयर करंट्स राइट और आप देख ही रहे हो दे आर बोर्न इन चेन्स देखो कैसे बोर्न हुए हैं ये इन चेन्स जरूरी नहीं है बेटा सिंगली भी हो सकते देखो ये सिंगल है दे आर बोर्न इन चेन्स और इन और सिंगली राइट सो दे कैन बी इन चेन्स और इन सिंगली राइट ये बन कैसे रहे हैं बेटा एक्सोजीनियसली ये क्या होता है बेटा बाहर बन रहे हैं देखो किसी साक में नहीं है ये जैसे पिछले दो हमने पढ़े थे दो टाइप ऑफ स्पोर्स वो स्परेंजियम के अंदर बन रहे थे पहले वाले जू स्प्रेंजियम के अंदर अगले वाले ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेंजियम के अंदर बन रहे थे लेकिन ये ऐसे किसी पर्टिकुलर स्परेंजियम में नहीं है दे आर बॉर्न इन चेन सिंगली चेंज और सिंगली एंड एक्सोजीनियसली मतलब बाहर की तरफ राइट right? और इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पेनीसीलियम बेटा पेनीसीयम नोटैटम से क्या मिलती है पेनीसीय नोटैटम से मिलती है हमें एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनसिल राइट इसकी एक और एग्जाम्पल दैट इज ऑल्टरनेरिया बेटा ऑल्टरनेरिया एंड पेनीसीलियम आर फंजाए जिसमें क्वालिडिया बनते हैं क्लियर Now the fourth type of the spores are chlamydospores, right? See chlamydospores. spores, draw कर रही हूँ यहीं पे. See, ये जो structure मैंने draw कर ये बीच में ये है clado राइट right? तो क्लमाइडोसपोर्ट देखो क्या है ये डायरेक्टली हाइफे के सेल के अंदर बन रहे हैं दे आर डरेक्टली बॉर्न इन द हाइफल सेल और इनके पास बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल होता है और वॉल भी थिक होती है इनकी और अगर देखो इनके पास फूड भी होगा वॉल भी थिक होएगी सो ये एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस को जितने भी अनफे फेवरेबल कंडीशन होंगी उनको आराम से टॉलरेट कर पाएंगे राइट सो दे आर they are formed directly in the hyphal cells they are formed directly in hyphal cells right they have thick wall and have abundant food

नेक्स्ट है उइडिया राइट right? उइडिया क्या है सी ये हमारे पास हाइफा है राइट right? तो हाइफा का अगर सेल ब्रेक हो जाए देखो टूट गया ना मैंने टूटा हुआ दिखा दिया अगर हाइफल सेल ब्रेक हो जाए पर किस कंडीशन में अंडर एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्ट कंडीशन या एक्सट्रीम्स ऑफ शुगरी कंडीशन हो तो राइट right? तो ये अगर हाइफा या थैलस के सेल्स कटने हैं ये हम क्या बोलेंगे ये क्या बन गए हमारे पास उइडिया बन गए राइट सो दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइफल सेल्स अंडर एक्सेस वाटर सॉल्ट और शुगर कंडीशंस राइट और मैं आपको बता दूं इनके पास ज्यादा फूड नहीं होता दे डोंट हैव मच फूड दे डू नॉट हैव रिजर्व फूड राइट अगर इनके पास रिजर्व फूड नहीं होगा ना बेटा तो सोच के देखो अगर फूड रिजर्व ज़्यादा नहीं है सो तो ये ज्यादा देर तक जो कंडीशन हैं अनफेवरेबल कंडीशन हैं, उनको टॉयलेट नहीं कर पाएंगे इनको जल्दी से जल्दी जल्द जर्मिनेट होना पड़ेगा जैसे ही बनेंगे इनको ग्रो करना पड़ेगा रीज़न वही है क्योंकि इनके पास ज़्यादा फूड नहीं होता सो दे हैव टू जर्मिनेट वेरी इमीडिएटली राइट दे जर्मिनेट इमीडिएटली राइट इसकी भी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एल्ब्यूगो एलब्यूगो कैंडिडा ये पहले भी आया था मतलब वो ये तब बनेंगे अगर एक्सट्रीम्स ऑफ ये कंडीशंस होंगी तो बनेंगे तो एल्ब्यूगो बनाता है ओइडिया भी बनाता है राइट वैसे एल्ब्यूगो में मैंने एग्जाम्पल बताई टाइप ऑफ स्पोर बताई थी फर्स्ट वाली जू स्पोर्स लेकिन ये तब बनेंगे ओइडिया जब कंडीशंस होंगी एक्सेस वाटर सॉल्ट और शुगर कंडीशंस राइट नेक्स्ट है हमारे पास आर्थ्रोस्पोर्स सिक्स टाइप ऑफ द स्पोर्स sports, यार आर्थ्रोस्पोर्स ये भी ब्रेकिंग ऑफ सेल हाइफल सेल से ही बनेंगे ये भी टूट के बनेंगे बट इनके थिक वॉल होती है और अबंडेंट फूड होता है सेम ही बनेंगे लेकिन वेन द हाइफल सेल ब्रेक्स एंड इट हैज थिक वॉल

नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्पोर्स आर ए प्लानोस्पोर्स बट ए मीन्स एबसेंस प्लानो मतलब फ्लैजला अब समझ ही चुके हो गए आप ये नॉन बटाई लोगे सो ए प्लानोस्पोर्स क्या होंगे वैन द डॉटर प्रोटोप्लास्ट फेल टू डिवेल्प फ्लैजला जब फ्लैजला डिवेल्प नहीं कर पाए स्पोर्स दे आर नोन एज ए प्लानोस्पोर्स सो वैन डॉटर प्रोटोप्लास्ट फेल टू डिवेल्प देन इट इज नोन एज द स्पोर इज नोन एज ए प्लानोस्पोर राइट और हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल है ए प्लानोस्पोर की वो है पूरी क्लास की बात करेंगे फाइकोमाइसिस बेटा फाइकोमाइसिस एक ऐसी क्लास है फंजाई की जिसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं उनमें बन जाते हैं ये ए प्लानोस्पोर्स राइट तो यहाँ तक हमने ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई डिस्कस कर ली राइट right? अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट थर्ड रिप्रोडक्शन थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बेटा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में पहली चीज़ बाईपेरेंटल होगी मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल दूसरी बात मियोसिस होती है गेमीट फॉर्मेशन होगी राइट एंड जायगोट फॉर्मेशन होगी सो सेक्चुअली प्रोडक्शन इज बाईपेरेंटल दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है मियोसिस भी होएगी गेमीट्स बनेंगे प्लस जायगोट की फॉर्मेशन होगी फ्यूजन तो होएगी डेफिनेटली राइट अब आते हैं हमारे पास कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स हैं बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वॉट आर द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो तीन इवेंट्स हैं फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी वॉट इज प्लाज्मोगैमी प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो देखो इसको मैं चलो बाद में करवाती हूँ पहले हम इवेंट्स के नाम देख लेते हैं प्लाज्मोगैमी देन है केरियोगैमी एंड थर्ड है मियोसिस तो ये तीन इवेंट्स हैं किसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इन तीनों इवेंट्स को हम एक एक करके कर लेते हैं आप डिस्कस राइट तो फर्स्ट है पहले प्लाज्मोगेमी बट एज अ नेम इंडिकेट्स प्लाज्मो गैमी क्या होगा गैमी मतलब फ्यूजन प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म की फ्यूजन राइट सो फ्यूजन फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म अभी दो पेरेंट्स का दो सेल्स का अभी क्या फ्यूज कर रहे हैं ओनली साइटोप्लाज्म सो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मो गैमी राइट तो होगा क्या देखो अगर ये एक हाइफा है और ये दूसरा हाइफा है ये इसके ऊपर ही है ये दो हाइफे हैं तो अब मैं इस सेल को डिस्क्राइब करी हूँ ये जो आपस में फ्यूज कर रहे हैं ये देखो ये प्ले तो देखो दो सेल्स का अभी साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करा है लेकिन इस फेज़ में न्यूक्लियस दोनों क्या आ जाएंगे बहुत पास आ जाएंगे राइट right? तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी एंड ड्यूरिंग दिस फेज न्यूक्लियस कम क्लोजर बट दे डू नॉट फ्यूज़ इस फेज में भी वो फ्यूज़ नहीं करेंगे तो देखो अभी एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए क्योंकि सेल्स तो फ्यूज़ कर गए ना साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया अब वो सेल एक बन गया राइट अभी एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं दो तो हम इस सेल को भी क्या बोलेंगे डाई सेल और हम बोलेंगे क्या बन गया डाई बन गया बेटा केरियॉन वर्ड किसके लिए होता है न्यूक्लियस के लिए डाई मतलब टू तो दो न्यूक्लियस जो है वो पास में आ गए और इस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइकेरियोन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाई केरियोन इज नोन एज क्या कहते हैं उसको डाई केरियोटाइजेशन वॉट डाई केरियोटाइजेशन सो डाइरोटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाई केरियोन और वह क्यों बनेगी बिकॉज ऑफ प्लाज्मोगैमी और प्लाज्मोगैमी क्या है दिस इज अ वन फर्स्ट इवेंट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाए सेकेंड इवेंट क्या था केरियोगी अब काफी कुछ क्लियर होगा केरियोगैमी केरियो मीन्स न्यूक्लियस सो गैमी मतलब फ्यूजन सो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस पहले अकेले क्या फ्यूज़ कर रहे थे साइटोप्लाज्म नाउ अब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस राइट न्यूक्लियस फ्यूज क्यों करेगा बिकॉज प्लाज्मा के कारण वो काफ़ी क्लोज आ गए थे राइट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होने के बाद क्या बन जाएगा अब बनेगा सिन केरियन सिन मतलब फ्यूज केरियन मतलब न्यूक्लियस किसकी न्यूक्लियस की हो जाए फ्यूजन हो जाएगी दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे या हम इसको क्या बोल सकते हैं जयगॉड भी बोल सकते हैं तो अब फॉर्मेशन किसकी होगी जायकॉट की फॉर्मेशन हो, हो गई सो केरियोगी भी डन सो प्लाज्मोगी इज अ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म केरियोगी इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टू फॉर्म जायकॉट। बस लास्ट स्टेप रह गया इसका अभी वो थर्ड स्टेप है मियोसिस क्या है बेटा थर्ड स्टेप इज मियोसिस मियोसिस मैंने आपको पहले भी कई बार बताया मियोसिस बेटा एक तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ राइट तो देखो और मियोसिस के एंड पे कितने सेल्स बनते हैं चार सेल्स बनते हैं सो अभी हमारे पास क्या बन चुका था जायगॉट और इसको हम क्या बोलेंगे सिंकर बन गया था राइट सिंकरोन या जायगोट अब क्या करेगा मियोसिस करेगा अगर मियोसिस करेगा तो क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे या सेल्स बनेंगे कितने बनते हैं मैंने अभी बताया था एट द एंड ऑफ मियोसिस कितने स्पोर्स बनते हैं चार स्पोर्स बनते हैं राइट right? वो भी कैसे हैप्लॉइड हैप्लॉयड मतलब हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जायगोट क्या था डिप्लॉयड क्योंकि इसमें क्या थे इसमें यस टू एन होती है कंडीशन वो टू एन कंडीशन क्यों आई थी बिकॉज दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करे थे याद है प्लाज्मोगी केरियोगी में तो वो क्या बन गया था डिप्लॉयड लेकिन डिप्लॉयड ड्राइगोड ने आगे क्या कर ली म्योसिस तो म्योसिस के बाद क्या बनेगा हेप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे चार राइट right? बेटा जिस फंजाई में तो कई फंजाई में क्या होता है जैसे ही के, हम कह लेंगे कि जैसे ही प्लाज्मोगी होती है साथ के साथ केरियोगी हो जाती है कईयों में लेकिन कईयों में क्या होता है जैसी प्लाज्मोगेमी होती है केरियोगैमी डिले हो जाती है राइट सो इन सम फंजाए प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय इज इमीडिएटली फॉलोड बाय केरियोगैमी अर एज इन सम फंजाए केरियोगी इज डिलेड मतलब प्लाज्मोगी तो हो जाएगी लेकिन केरियोगैमी क्या होएगी डिलेड होएगी बेटा ये जो होता है प्लाज्मोगी इमिडिएटली हो जा केरियोगी इमिडिएटली हो जाती है प्लाज्मोगी के बाद वो तो होती है लोअर फंजाई में लेकिन जिसमें कैरियोगेमी डिले होती है प्लाज्मोगेमी हो गई लेकिन कैरियोगेमी डिलेड है अभी बाद में होती है तो वो होती है हायर फंजाई में राइट सो इन लोअर फंजाई प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाई कैरियोगेमी बट इन हायर फंजाई इट इज़ डिलेड राइट तो तो हम कह सकते हैं कि केरियो जो हायर फंजाई होगी उसमें डाई केरियोन फेज काफी देर तक रहेगा राइट right? तो ये थे बेटा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स पढ़ेंगे जो देखो ये बने थे ना स्पोर्स अभी तो इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं ये तो भी जनरल था बिल्कुल क्लियर तो हमने इस अपने इस वीडियो में एक तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के सिर्फ इवेंट्स ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया है राइट ओके बाय बाय